है और ये खत्ते में को खराब करने की कोशिश है भारत की तो भारत की तो चेतना कॉन्शियसनेस है कि अहम निजह गणना लघु उदार चरिता कीसुदैव को तो कम हम तो कहते हैं कि फकर भाई भी मेरे हैं हम ये कहते हैं कि बाइडेन भी मेरे हैं अफ्रीकन भी मेरे हैं सब हमारे परिवार का हिस्सा है ईरान हम... से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं भार... आपको पता है जिस ग्वादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान इतना उछलता है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कलमिनेशन है टर्मिनेशन जहां पे होती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां पे आके खत्म होती है ग्वादर पोर्ट है गेम चेंजर शहद दूध की नदियां बहेंगी दुनिया भर के लोग आएंगे वीजा अप्लाई करेंगे दुनिया भर के लोग कहेंगे लो कि हमें पाकिस्तान की शहरियत चाहिए इंडिया जल के खाक हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहेंगी वो शहद और वो नाला है गंदा

नमस्कार दोस्तों जय हिंद दुश्मन देश देखते रह गए और भारत ने कर दिखाया भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक सौदा देख चीन और पाकिस्तान सदमे में है भारत ने मध्य एशिया में अपनी धाक और बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है भारत ने ईरान के चाबहार बहार बंदरा गांव को 10 साल के लिए अपने कंट्रोल में ले लिया है इसके लिए भारत ने सोमवार को ईरान के साथ करार किया इसके कंट्रोल के बाद भारत को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी भारत के इस कदम ऐसी एक साथ तीन देश तिलमिला उठे चाबहार पोर्ट का कंट्रोल मिलने ऐसी पाकिस्तान और चीन और अमेरिका में खलबली मच अमेरिका ने तो बैन तक की धमकी दे दी है जबकि पाकिस्तान और चीन अभी भी मौन है भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान को लिए करारा जवाब माना जा रहा है क्योंकि चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ चीन की बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने में मदद मिलेगी भारत इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और उसके आगे मध्य एशिया में पहुँचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम होगा ईरान के साथ भारत की यह डील रणनीतिक रूप से काफी अहम है इस पोर्ट के कंट्रोल से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक भारत की राह सीधी

जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है वो टोटल जीडीपी का 0.4 परसेंट यानी कि तीन साढ़े तीन सौ अरब जो है वो लगा सकता है डेवलपमेंट के ऊपर डॉट साहब इंडिया डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहा है और हमारे पास अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा क्योंकि आईएमएफ कहती है पैसे ना लगाओ अगर ये ट्रेंड चलता रहता है तो हम तो अगले पांच दस सालों के अंदर हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूट भी जाएगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएंगे डाट साहब इसको कितना खतरसान नाक समझते हैं हमारा तो ग्वादर पोर्ट भी खतरे में है अगर चाबहार पोर्ट जो ईरान का है वो चलता है क्योंकि ईरानी इंडियन एंड ईरानी उस पर बड़ा काम कर रहे हैं डेवलपमेंट पे पैसा तब लगाया जाता है जब आप

उसकी सर्जरी नहीं करेगा जब तक उस वक्त तक आप सर्वाइव नहीं कर ये मैं आज को आपको गारंटी कर रहा हूं कैंसर इज मूविंग आपका स्टेज फोर्थ कैंसर है इस वक्त स्टेज फोर्थ ये मैं कंक्लूड किया है जब मैंने बीबीसी कल की खबर पड़ी थी कि चालीस हजार टन गंदम बोरियों की शक्ल में लफाफिया बोरियां गई थी ट्रक गई होगी ट्रेना गई होगी अफगानिस्तान कितनी खूबसूरती स्मगल की गई और बताया गया था कि ये सारी सैलाब से खत्म हो गई है ये, ये जानवरों को डाल दी। चीमा ये इस तरह, इस तरह मुलक नहीं चलते इस तरह बस अड्डा नहीं चलता जिस तरह मुलक चला रहे वैगनों का अड्डा नहीं टांगे टांगे का अड्डा नहीं इस तरह चल सकता जिस तरह मुल्क चला रहे पता नहीं कौन चला रहे चीमा साहब दर हकीकत देख के चीमा साहब कश्मीर कश्मीर से बात हम शुरू करते हैं कश्मीर में हालात पे तो मैं बहुत तबसरा करता अगर सिंध के हालात ठीक हो लेकिन आप जालम लोग जालम लोग लोग हैं हैं छिहत्तर साल से चीमा साहब अपने ही माँ के कपड़े आप फाड़ फाड़ के जशन मना रहे हैं कैसे है? कहता, कहता सारा मुल्क खरीद लूंगा तुम्हारा सारा मुल्क मैं खरीद लूंगा खुश हो रहे लेकिन एक बात है लेकिन बात यह है बात। श यहां का आपका आवारा लौटा लपाड़ा भारत की तरक्की को सीखना शुरू कर दिया उनके अखबार टीवी देखना शुरू कर गाने गाने सुन के गाने के सिद्धू मूसे वाले छाड़ किसी देख लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह चल रहे हैं कुछ शर्म करो डेटा डेटा एक प्लेटफॉर्म है वो कहता है कि चाइना के जो पाकिस्तान को लोन है वो तेईस अरब ज्यादा है जितना इन्होंने वर्ल्ड बैंक को बताया है ठीक है जी वो कहता है फॉर द पीरियड ऑफ टू थाउजेंड टू ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार से लेकर दो हजार इक्कीस तक जो इन्होंने फिगर दिए हैं वर्ल्ड बैंक को ऑफिशियल फिगर दिए हैं आपको वर्ल्ड बैंक से शेयर करना पड़ेगा ना आपने जो ऑफिशियल फिगर दिया आप मेरा मतलब पाकिस्तानी सरकार ने उससे एक्चुअली तेईस अरब ज्यादा इनको लोन मिले यानी कि पाकिस्तानी सरकार ने झूठ बोला है और यह बोला है कि वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स यह रिपोर्ट करा है कि पाकिस्तान डेट ओट टू तो चाइना ड्यूरिंग सेम पीरियड एज 46 बिलियन सिग्निफिकेंटली लोअर देन एड डेटा एस्टिमेट आप भारत में सौ रब डालेंगे उनको गारंटी है कि सौ की जगह दो सौ मिलेगा कहानी खत्म हो गई धंधा है यार इट्स बिजनेस आफ्टर ऑल हम चलते हैं दोबारा मेन मुद्दे पर दोस्तों आपको पता है जिस ग्वादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान इतना उछलता है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कलमिनेशन है टर्मिनेशन जहां पे होती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां पे आके खत्म होती है ग्वादर पोर्ट है गेम चेंजर शहद दूध की नदियां बहेंगी दुनिया भर के लोग आएंगे वीजा अप्लाई करेंगे दुनिया भर के लोग कहेंगे कि हमें पाकिस्तान की शहरियत चाहिए इंडिया जल के खाक हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहेंगी वो शहद और वो नाला है गंदा वो गंदा नाला है क्योंकि शायद पाकिस्तानियों को ही नहीं पता होगा मैं बता रहा हूं नाइनटी को नहीं पता है भाई साहब चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी सीओपीएचसी में दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी 40 साल के लिए गवादर पोर्ट ले लिया है आया मजा सुन के पाकिस्तानियों ये तुम्हारा गेम चेंजर है ये तुम्हारा गेम चेंजर है अगर मेजर गलत बोल रहा है इंटरनेट पे जाओ देखो पाकिस्तानी सोर्स देखो इंडियन सोर्स देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है चाइनीज भैया किसी का सगा नहीं है बिरादर मुल्क बिरादर मुल्क बिरादर मुल्क तुम लोगों ने खुद से भी झूठ बोला अपने बच्चों से भी झूठ बोला चाइना बिरादर मुल्क है चाइना मदद करेगा चाइना ने आज तक किसी की मदद करी है इस डील के बाद अमेरिका ने भारत को सैंक्शन की धमकी देना शुरू कर दिया है लेकिन भारत किसी भी देश से नहीं डरता यह वही अमेरिका है जो भारत को रशिया से ऑयल लेने को मना कर रहा था और आज वो अपने ही बातों पे यू टर्न लेता दिख रहा है और बोल रहा है हमने ही भारत से कहा था कि रशिया से ऑयल ले लो ये हमारा और इंडिया का ही प्लान था आज अमेरिका की हालत देख लगता है की अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो गया है अब भारत अमेरिका के सैंक्शन से नहीं डरता है वही दूसरी तरफ इस डील से चीन को सबसे बड़ा झटका मिला है क्योंकि ग्वादर पोर्ट से इस इलाके में चीन अपना दबदबा बनाना चाहता था जिसे भारत ने कर दिया बाकी पाकिस्तान की हालत तो ऐसे ही खराब है वो तो पैसों के लिए अपना धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान बेच रहा है आज हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान से अलग होकर अपना नया देश बनाने की मांग उठ रही है आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे आज के लिए इतना ही जय हिंद